तो यार यहाँ पर देखिए, रोडवेज में शुरू हुई परिचालकों की भर्ती 15 जून तक आवेदन। परिचालक का मतलब होता है कंडक्टर, जो बस कंडक्टर होते हैं वो परिचालक होते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रयागराज परिक्षेत्र में 2000 पद खाली हैं, 12वीं पास है और योग्यता है आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो ये रोज़गार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। परिवहन निगम ने परिचालकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12वीं पास युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को परिवहन निगम की रोडवेज बसों में तैनाती दी जाएगी। प्रयागराज परिक्षेत्र में 165 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 15 जून की शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। 15 जून की शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, परिवहन निगम में इस समय परिचालकों के कुल 2000 पद खाली हैं। इसमें से अकेले लगभग प्रयागराज में 300 पद भरे जाने योग्य हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर इसे आपको ऑनलाइन करना है, तो http://sevayojana.up.nic.in पर आपको जाके इसे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपका एक साक्षात्कार यानी आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको जो है चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पदों का विवरण दिया गया है। अब कुल पद 165 हैं, जिसमें से SC का 25 है, जनरल का 85 है, EWS का 23 है, OBC का 27 है। अब यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, भर्ती में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। 15 जून शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भी निरस्त माने जाएंगे। उसके बाद आप करेंगे तो सेवा योजना वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, परिचालकों के अभाव में खड़ी हैं बसें। मतलब बहुत सी ऐसी बसें हैं जिसमें परिचालक नहीं है और वो बसें खड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इसके लिए ऑनलाइन कॉल लेटर जारी होगा। रायबरेली के SS इंटरप्राइजेस को भर्ती प्रक्रिया की पूरी कराने की जिम्मेदारी मिली है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप भर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।